एक महात्मा जी थे, वो पेड़ के नीचे आराम से चद्दर ओढ़ करके सोते थे। दूसरा महात्मा कहता था, भाई तू कुछ करता धरता नहीं है, तेरे लिए खाने को काई को आ जा कहाँ से आ जाता है। कहता है, सुनो हम तो अपने प्रभु जी के छोटे साले हैं, राम जी के। ये सीता जी को जीजी मानते थे, उनको जीजा जी मानते थे। कहते हम तो उनके छोटे वाले साले हैं, गर्ज पड़े तो जमाने को आ जाए। थाल लेकर आता है, उसकी गर्ज पड़ती है, जमा के चला जाता है। हम तो आराम से टांग पसारे हुए यहीं सोते हैं, हमें काहे की चिंता है। भगवान के बन जाओगे तो चिंता भगवान को होगी, आपको नहीं होगी। एक लक्ष्मण जी की कथा आती है, सुन लो। जिस समय वो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी तो राम जी उसको, लक्ष्मण को अपनी गोद में डाल करके बड़े बड़े मोटे मोटे आंसुओं से रो रहे थे। हनुमान जी बूटी लाए और वो वैद सुखेन ने, डॉक्टर साहब ने बूटी निचोड़ी मुंह में डाली और लक्ष्मण जी ठीक हो गए, खड़े हो गए। तो बंदर भालुओं ने लक्ष्मण को कहा, लखन भैया तुम तो बिल्कुल अदम मरे से है गए, हमारे ऊपर काबी थी तुम्हें पता है, जो बता दोगे त्याय लगी हती के तुम जो ही मूढ़े बनाए गए। वो बंदर पूछ रहे थे, मैंने कहा लगी हती तुम्हें कि वैसे ही जो ही झूठे मूढ़े बनाए, कल लगी तो जोत थे ही। अच्छा तो जो बताओ पीर कितनी है रही हती, पीर देसी भाषा है दर्द। जो बताओ कि जब त्याय बाण लगो तो तुम्हारे दर्द कितनो है रोका, हमारे तो बिल्कुल नहीं बहुत दर्द बद कछुना है वो। अच्छा नहीं भाव होगा न काल। तो लक्ष्मण ने कहा यो बताओ कि जिसको दर्द होता है वो सोता है कि रोता है। लक्ष्मण जी उन बंदरों को कहने लगे जिनको भारी दर्द हो रहा हो शरीर में, तो ये बताओ वो सोएगा कि रोएगा। तो बंदरों ने कहा कि अरे जिसको दर्द हो रहा होगा वो सोएगा कहां से, वो तो रोएगा। तो लक्ष्मण ने कहा ये बताओ कि सो कौन रहा था, तुम सो रहे थे। रो कौन रहा था, कहा राम जी रो रहे थे। बंदर बोले राम जी रो रहे थे। तो लक्ष्मण ने कहा मुझे क्यों पूछते हो, राम जी को पूछो कि लक्ष्मण को शक्ति लगी उस समय तुम्हें कितना दर्द हो रहा था। लखनलाल बोले, लखनलाल की आंख में आंसू आ गए। लखनलाल ने उन बंदरों को कहा भैया हम तो राम जी के हीरे हैं, यदि किसी सेठ का किसी मालिक का हीरा खो जाता है तो दुख हीरे को नहीं होता, दुख मालिक को होता है, दुख सेठ को होता है। लक्ष्मण ने दुनिया को कहा था परमात्मा के हीरे बन जाओ, आराम से रहोगे, वेदना भगवान को होगी, चिंता परमात्मा को होगी। और जिस दिन भगवान के बन गए ना, उसी दिन तुम्हारी संपूर्ण तकलीफों को भगवान ले लेगा और तुम आराम से रहोगे, आनंद के साथ रहोगे। तो वो ध्रुव जी